मर्यादा तो आज आपने पार कर दी जीजी। अपमान आपने सिर्फ सुगनी का नहीं हमारा भी किया। बहुत बड़ी गाली है ये कहना कि मर्दों की सिर्फ एक ही जरूरत होती है। क्या लगता है आपको, भगवान ने मर्दों को दिल सिर्फ खून साफ करने के लिए दिया है? आज के बाद से इस बारे में इस घर के अंदर कोई बात नहीं होगी। बस। और हां जी जी ध्यान रहे, सुगनी हमारा प्यार है और आज के बाद इस घर के अंदर सुगनी के बारे में कोई अपशब्द हम नहीं सुनना चाहेंगे। हाथ जोड़कर विनती है आपसे सिर्फ इतनी। माफी चाहते हैं हम जानते हैं जीजी ने जो कुछ भी कहा तुम्हें सुनकर बहुत दुख हुआ होगा। नहीं ठाकुर मालक, आप हर बात पे हमसे माफी मत मांगा कीजिए। आपकी कोई गलती नहीं है, आपने तो हमें हमेशा मान दिया है। हमारा साथ होना इतना गलत काय हो गया है सबके लिए? काय इतना बड़ा अंतर खड़ा कर दिया हमारे बीच भगवान ने कि आप एक पहाड़ जितने ऊंचे और हम एक कंकड़ जितने छोटे? काय सबको हम सिर्फ एक बेड़नी नजर आते हैं? काय वो लड़की नजर नहीं आती जो आपसे उतना ही प्यार करती है जितना कोई और लड़की करती? सुगनी ये फर्क जो है ये भगवान ने नहीं बनाया, ये इंसानों का बनाया हुआ फर्क है। भगवान की सिर्फ इतनी गलती है कि पाप का नाश करने के लिए तो वो बार बार आते हैं अवतार लेकर जमीन पर, लेकिन प्यार को सहारा देने के लिए आज तक कभी भगवान ने कोई अवतार नहीं लिया। हमें बाहर वालों की इतनी परवाह नहीं है सुगनी, लेकिन बहुत दुख होता है जब खुद अपने अपने घर वाले नहीं समझ पाते हमें। खैर अब जो भी है ये तो एक ना एक दिन होना ही था। अब सुनो, सिर्फ एक बात ध्यान में रखना, हम लोगों को अपने प्यार पर से विश्वास नहीं छोड़ना है। हम दोनों अगर साथ चलेंगे एक दूसरे का सहारा बनकर तो जहां पहुंचना है पहुंच ही जाएंगे, है ना? अरे एक चीज तुम्हें बहुत दिनों से देना चाह रहे थे। ठाकुर मालक हम ये नहीं ले सकते। पहला तोहफा है प्यार का, चाहे तो अभी ले लो या आधा घंटा लड़ लो झगड़ लो रो लो धो लो उसके बाद लो, लेना तो पड़ेगा। ले गुलाबिया, आधा ढक्कन गरम पानी में डाल के उस मोड़ को पिला देना, बस एक दिन में जुकाम उकाम सब खत्म हो जाएगा। हम चलते हैं जीजी। ए चतुरी, एक बहुत बड़ी राय होने जा रही है, ले बयाना रख। कारी गुलाबिया, इतनी मोड़ी का लाया खाओगी? एक बहुत बड़े ठाकुर के बच्चे के नामकरण पर राय होने जा रही है, राय करने आओगी? सोच कर बताएं। कम से कम 3-4 तोले की तो होगी। हाँ जैसे कम तो ना होगा। अरे वाह भारी है। लक्ष्मी चलो मुन्ने की दवाई। हाँ दीदी, पहले ये देखो सुगनी का लाई है सोने की चेन।
देख रही हो जीजी? शाबाशी दो मोड़ी को, ये तो शुभ शुरुआत है। ला, हम ना इनको दिखा के आते हैं। हम भी चलते हैं। ठाकुर मालक से भेंट में चैन लेकर आई हूं, अगली बारी पैसे मांग कर लाओगी? जानती हो सुनी, जब तुम कहती थी ना कि जिंदगी रख लो वाले पैसों पर नहीं काटनी, तब हमें ऐसा लगता था कि हमारी छाती में दूध भर आया है। घमंड था हमें हमारी ममता पर, हमारी सीख पर, हमारे संस्कार पर। जी का है, का नाम है उस रिश्ते का जिससे विक्रम ठाकुर मालक ने तुम्हें जय भेंट दी? कहा रख लो और तुम ले आए? जब एक मर्द किसी औरत को ऐसे भेंट देता है ना, तो उसका नाम नाम नहीं, काली होती। गाली देने आए हो क्या? ये कहने कि हम गलत हैं या भड़ास निकालने के लिए? नहीं मामा जी, लेकिन अगर कोई बात सही ना लगे तो क्या उसके बारे में पूछने का भी अधिकार नहीं? पूछो। मामा जी, मैंने आपको हमेशा सुलझा हुआ पाया, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, ऐसा क्या है उस लड़की के साथ जो आप उसके लिए पूरे परिवार से लड़ना चाहते हैं? इंसान चाहे जितना भी सुलझा हुआ हो अदि, कुछ एक सवाल ऐसे उलझे हुए होते हैं कि उनका कोई जवाब नहीं होता। क्या समझाएं तुम्हें अपने प्यार के बारे में, जिसका कोई रंग नहीं है, कोई आकार नहीं है, सिर्फ एक विश्वास है ईश्वर की तरह। तुम भी तो प्यार करते हो अमृता से, बता सकते हो कैसे, कितना, क्यों? बस भी हो गया है प्यार, और क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि हम ठाकुर है और वो बेड़नी, या फिर हमारी उम्र उससे ज्यादा, या फिर हमारी पहले शादी हो चुकी है। ये सारी की सारी बातें हमसे जिंदगी जीने का या खुश रहने का अधिकार क्यों छीने? मामा जी, कोई आपको समझे ना समझे, मैं आपको समझती हूँ और आपके इस फैसले में मैं आपके साथ हूँ। मैं नहीं मानती कि इनमें से कोई भी फर्क मामा जी और सुगनी के बीच आने लायक है। कम ऑन आदि, अगर दो इंसान एक दूसरे को प्यार करते हैं, चाहते हैं, तो छोड़ दो ना इसे, क्यों पीछे पड़ा जाए? पता नहीं मामा जी, मुझे समवेयर आई थिंक कुछ गलत लग रहा है, कुछ सही नहीं है। आई मीन वो सुगनी, फॉरगेट अबाउट बेड़नी बेड़नी, लेकिन क्या वो आपके लायक है? आई मीन मुझे वो कभी सही नहीं लगी। क्या इतना काफी नहीं है कि हमें उस पर विश्वास है? या हम ये समझते हैं कि वो हमारे लायक है और हम जिंदगी बिता सकते हैं उसके साथ?
सुगनी। इतनी रात को क्या कर रही हो यहाँ? आपसे कुछ पूछना था जो सुबह तक इंतजार नहीं कर सकता था। अरे ऐसी क्या बात हो गई? मालक आप हमसे ब्याह करेंगे? सुगनी तुम्हें शक क्यों हो रहा है इस बात पर? हमने कहा है तुमसे कि हम जिंदगी भर तुम्हारा साथ निभाएंगे, निभा भी रहे ना। तुम्हारे नाम अपनी बहन के खिलाफ खड़े हो गए, दुनिया वालों का जवाब दे रहे हो और क्या करें, कैसे यकीन दिलाए तुम्हें कि हम तुमसे प्यार करते हैं? मालक हमें आपके प्यार पे शक नहीं है, अगर होता तो हम इस वक्त यहाँ खड़े नहीं होते। हम बस आपसे इतना पूछना चाह रहे कि जब प्यार प्यार ही रहेगा या ब्याह में भी बदलेगा? हमें ऐसा क्यों लग रहा है सुगनी कि हमारा प्यार तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता? मालक आप अच्छे से जानते हैं कि आपके सामने हमारा दिमाग काम नहीं करता। हम अपनी बातों के सवाल ठीक से नहीं कर पाते, आपकी बातों का जवाब कहाँ से देंगे? आप बस हमें इतना बता दीजिए कि आप हमसे ब्याह करेंगे या नहीं, हाँ या ना। मालक हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, आप हमसे ब्याह करेंगे ना? हाँ हाँ सुगनी, हम वचन देते हैं तुम्हें कि एक दिन सही समय आने पर हम तुमसे ब्याह करेंगे। आपको जितना समय चाहिए आप लीजिए, हम आपका इंतजार कर लेंगे। आप मनाइए अपने परिवार को, हम अपनी माई को मना लेंगे। क्या हुआ? मालक आपका भार। अरे सुगनी ये बात बराबर क्यों नहीं थी? सुगनी हम जिंदगी भर तुमसे माफी मांगना नहीं छोड़ेंगे अगर तुमने बार बार ये आभार प्रकट करना बंद नहीं किया तो। अरे बड़ी परेशानी हो जाएगी इस तरह से हम दोनों के बीच में, समझ नहीं रही हो तुम? क्या हुआ? क्या हंस क्या रही है? बस एक आखिरी बार आपसे माफी मांगना चाहते हैं। हम बार बार आपसे एक ही सवाल पूछते हैं जिद कर करके, आपको बुरा लगता होगा, उसके लिए माफी। लेकिन हमारे लिए हमारी माई के सवालों के जवाब ढूंढना भी तो जरूरी था ना। हम जानते हैं सुगनी, हम भी चाहते हैं कि सारे के सारे बंधन तोड़कर जल्द से जल्द हम दोनों एक हो जाएं। लेकिन अभी समय पे बहुत जल्दी होता दिखाई नहीं दे रहा है सुगनी। सुगनी हमारे लिए हमारा परिवार बहुत बड़ी चीज है। हम चाहते हैं कि सबको समझा कर मना कर इस फैसले में साथ लेकर चले। हमारे रिश्ते को सबका आशीर्वाद मिलना चाहिए सुगनी, नफरत नहीं। और ब्याह के लिए अगर घोड़े पर अकेले बैठकर तुम्हारे दरवाजे पर आएंगे तो अच्छा लगेगा क्या? बारात वारात नहीं चाहिए साथ में? हाँ परिवार बहुत जरूरी है, आप सही कह रहे हैं। हम भी ना बचपना करने पे उतर आते तो टिंगल को भी पीछे छोड़ देते हैं। अपनी परेशानियों में आपकी जिम्मेदारियों को तो देखा ही नहीं। आपको जितना समय चाहिए आप लीजिए, हम आपका इंतजार कर लेंगे। आप मनाइए अपने परिवार को, हम अपनी माई को मना लेंगे। क्या हुआ? अरे बहुत अजीब हो तुम, तुम्हें पता है इस बात का? हैं? तुम इतनी अजीब हो शायद इसीलिए हम तुम्हारी तरफ खिंच भी गए। कभी एकदम से बचपन आ जाता है तुम्हारे अंदर, कभी इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हो कि तुम्हारे साथ की लड़कियों के दिमाग में कभी घुसे भी ना, मतलब आना तो बहुत दूर की बात हो गई। और कभी कभी अपनी उम्र से बहुत बड़ी हो जाती हो तुम और बहुत खूबसूरत।
रहा हूँ। सुगनी, सुगनी, महुआरी के इतिहास में ना कोई बिरनी ना ठकुराइन बनी है और ना बनेगी। अरे ये तो गजब हो गया, ये तो आज से पहले ना कभी सुना ना कभी देखा कि बेड़नी के घर ठाकुर की बारात आएगी। एक मिनट, हमें साफ साफ बताओ ठाकुर मालक के शब्दों में का कहा उन्होंने? माई, ठाकुर मालक ने हमसे कहा कि एक दिन वो हमसे जरूर ब्याह करेंगे। एक दिन? जीजी जाओ गुड़ लाओ गुड़। हमारी सुगनी पहली बेड़नी होगी जो सिर्फ रात की नहीं दिन की भी ठकुराइन बनेगी किसी की। और हम, हमारी इज्जत सोचो, ठाकुरों के समधि कहलाएंगे हम। अरे बाप रे, बाप रे, गदेड़ों की फौज धूल में मनाए मौज। अरे पगला गए के सब भाई के सब। अरे झोपड़िया जल रही है और इतरा रहे ऐसे जैसे बीड़ी जलाने का प्रबंध हो गया हो। अरे खुशी की बात ना है जे। अरे छाती पर मुक्के मार के विलाप का समय आ गया, बस विलाप करो। ऐसा क्या कह रहे हो भैया? तुम्हारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा का? अरे सर ढकाई में लेकर आती है घर पे और शादी ब्याह में लेकर जाती है घर से। तो शादी ब्याह का फायदा का? ए मोड़ी, जाकर कह दे अपने ठाकुर मालक से कि शादी ब्याह करना ठाकुर के मोड़ी से कर ले। हम तो भैया सर ढकाई से खुशे जाकर कह दे तू। मामा, ए चिल्ला गा रही है, कौन सा गलत बोल रहे हैं हम? तुम तो ऐसा बोल रही थी ठाकुर मालक सर ढकाई के खर्चे से डर रहे, भैया बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा तो शादी ब्याह में कौन सा पैसा बचा लेंगे? मामा बस करो। कहाँ बस करो? हाँ कहाँ गलत कह दिया इन्होंने? हाँ तुम्हारे विक्रम ठाकुर मालक जो है ना वो बहुत चालाक है, उन्हें पता है कि तुम उनकी पहुँच के बहुत बाहर हो, बहुत महंगी हो तुम उनके लिए। अरे थोड़े बहुत नहीं, बहुत दाम लग रहे थे तुम्हारी सर ढकाई के लिए। लेकिन उनको कहा, उनको तो दोनों हाथों में लड्डू चाहिए थे। कर लो ब्याह, माया भी हमारी मोहिनी भी हमारी। हाँ माना करते सुगनी तू, और कह देना अपने ठाकुर मालूक से कि जो कछु चाहिए वह शादी ब्याह के बिना भी मिल जाएगा और जो हमको चाहिए वो घर पे लाके दे दे। मामा बस करो। कितना गिरोगे खुद और कितना गिराओगे हमें? तुम्हारे लिए ब्याह में और सर ढकाई में कोई फर्क नहीं है। कोई फर्क नहीं है मंदिर में गाई हुई आरती और घपलू की दुकान में बज रहे फिल्मी गानों में। मामा यहाँ बात हमारी जिंदगी की हो रही है, तुम्हारे अंगूरी और मुर्गे की नहीं। अरे जब तक हमारे अंगूरी हमारे मुर्गे को नजर लगाती रहती है। जीजी समझाना तुम्हारी मोड़ी को। समझाओ ना जीजी से, कछु भी बोल रही है। महुआरी के इतिहास में ना कोई बिरनी ना ठकुराइन बनी है और ना बनेगी।